ब्रिलियंट नॉलेज के YouTube चैनल में मैं एजाज आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में क्या क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, खो का किन मामलों में अपवाद था? अपवाद तो आप समझते हैं, जिस पर कोई नियम लागू ना हो उसको अपवाद बोलेंगे, यानी जो नियम से हटकर हो उसी को हम लोग अपवाद बोलते हैं। तो हमें ये कहा गया है कि उत्तर में ये बताना कि ये जो खोका है ना, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिस पर अपवाद था, यानी कौन कौन से ऐसे मामले हैं, ऐसे नियम हैं जो खोका पर लागू नहीं होता है। बाकियों पर तो लागू होता है, खोका पर लागू नहीं होता है। तो हम इसी चीज़ को उत्तर में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इस खोका को इन नियमों से अपवाद बाहर क्यों रखा गया है। देखिए, या उत्तर में देखिए, सेन सांप का जो है ना, लगातार 5 पुत्री होने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, और ये जो सेन सांप जो थे ये गरीबों पर, असहाय लोगों पर अत्याचार करने वाला आदमी था। तो ऐसे आदमी को कॉमन सेंस तो कम था ना, तो 5 पुत्रियों के बाद जब उनका एक पुत्र हुआ तो ये पुत्र को ज्यादा मानने लगे, पुत्र को ज्यादा तरजीह देने लगा, पुत्र जो भी कहता वो उसी को करता, घर में किसी वस्तु को वो तोड़ देता तो पुत्र को कुछ नहीं बोलता, लेकिन वहीं पे पुत्री अगर थोड़ा सा भी कोई गलत काम करता तो पुत्रियों को काफ़ी डांटा जाता था। किसके द्वारा? सेन सांप के द्वारा। यानी इस पुत्र के जन्म होने से पहले सेन सांप ने पुत्रियों के लिए बहुत सारे नियम और बहुत सारे नियम बना के रखा था कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन जब पुत्र हुआ तो पुत्र इस नियमों को फॉलो नहीं करता था, इसलिए ये अपवाद हो गया घर का। तो देखिए, जिसका नाम खोका था, यानी जो पुत्र का जन्म हुआ इसका नाम क्या था? खोका। घर में 5 लड़कियों के लिए कठोर नियम था, कठोर मतलब खूब टाइट। पता है, इन 5 लड़कियों के लिए घर में ये भी नियम था कि वो मुस्कुरा सकती है, खिलखिला के हंस नहीं सकती है, कि पड़ोस के कोई लोग सुन ले कि सेन साहब की बेटियां खिलखिला के हंस रही है, यानी खिलखिला के हंसने का अनुमति बेटियों को नहीं था। आगे देखिए, जबकि खोका जीवन के नियम के अपवाद के साथ साथ घर के नियम का भी अपवाद था, यानी जीवन के नियम के अपवाद के साथ साथ जीवन का भी नियम इस पर लागू नहीं होता है, तो घर का भी कोई नियम इस पर लागू नहीं होता था, घर के नियम में भी ये क्या था? अपवाद था। अर्थात आगे देखिए, अर्थात खोका को खिलखिला के हंसने, घर के किसी चीज को तोड़ने या किसी को अपशब्द यानी गलत बात कहने की पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी आज़ादी थी। देखिए, खोका घर में, सेन साहब का जो बेटा था खोका, वो किसी भी चीज को तोड़ दे उसको कुछ नहीं होता था, न घर वाला कुछ कहता था उसको, वो हंसे कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी घर में आए, किसी आए हुए मेहमान को, अतिथि को अपशब्द कह दे, बुरा भला कह दे, उसमें भी खोका को कुछ नहीं होता था। लेकिन यही चीज़ यदि सेन साहब के 5 लड़कियों में से कोई भी कर दे तो इन लड़कियों पर डांट पड़ता था, लेकिन ये सब करने के लिए खोका जो है क्या था? स्वतंत्र था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।